हेलो नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले रीट लेवल सेकंड शिफ्ट 23 जुलाई की, उसके जो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के अंदर जो 30 क्वेश्चन आए थे उनकी सटीक आंसर की बताने जा रहा हूँ। इसको आपको केवल 5 मिनट के अंदर दिखाया जाएगा, वो आपको मिलाने है कौन से क्वेश्चन आपके सही है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका था, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया। इसका सी ऑप्शन होगा, प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक। क्वेश्चन दो की बात करें, इनमें से कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है, इसमें आएगी आक्रामकता, क्या आएगी? बी में आक्रामकता, ए उत्तर आएगा। अगले तीन की क्वेश्चन की बात करें, तीन का क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन सी प्रत्यक्ष विधि से संबंधित नहीं है? तो इसमें आएगा खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फोर की बात करें तो पढ़ने से संबंधित अधिगम में अक्षमता होती है, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, बी ऑप्शन। आप अपने आंसर मिलाकर आंसर की के बाद आप अपने कमेंट में भी बताएं। कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? अधिगम की प्रक्रिया परिपक्व नहीं है और सारी की सारी अधिगम की प्रक्रियाएं हैं। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा प्रस्तावित की गई किसके द्वारा? बीएफ स्किनर के द्वारा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अधिगम की अवधारणा कौन से कथन के लिए सत्य नहीं है इसमें? क्योंकि अधिगम जन्मजात नहीं होता, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आठ की बात करते हैं, क्वेश्चन आठ, इवान पावलन द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत निम्न में से समझाता है वह साहचर्य को, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाइन्थ के क्वेश्चन की बात करें, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? तो आधारित नहीं है वो आएगा मनोगत्यात्मक शिक्षण, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10 के क्वेश्चन की बात करें तो 10 का क्वेश्चन आगा, नैसर्गिक से विचारों की सूची के एकत्रण द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की सामूहिक रचना विधि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मस्तिष्क विप्लव युक्ति, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं तो कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर आएगा बी ऑप्शन, अंतर्व्यक्तिक समायोजन, इसके अंदर बी ऑप्शन 11। 12 की बात करें तो शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझाव किया गया? ऑप्शन बी ऑप्शन, मार्टिन ई सेलिगमैन। 12 के क्वेश्चन की बात 13 के बाद करते हैं तो शिक्षा के दिन 2009 से संबंधित है, इसमें सत्य नहीं था, यहाँ पर न्यूनतम 45 घंटे आएगा, ऑप्शन आएगा डी। 14 क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? इसमें सी आएगा, स्टेप एम कोवे ने और बाकी सभी ने शिक्षा के क्रियात्मक अनुसंधान में योगदान दिया, सी ऑप्शन। 15 की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन आएगा बी, नामिक मापनी न्यूनतम प्रयोग, और सभी का आपको देखने को अधिकतम ही मिलता है। ये 2005 से प्रश्न आया, NCF 2005 से, बिना बोझ के शिक्षा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मुख्य दर्शन यही है। 17 क्वेश्चन, आनुवंशिक भूमिका के अध्ययन के लिए कौन वैध नहीं है? इसमें आएगा डी ऑप्शन, सम्यक सम्मुख अध्ययन, क्योंकि इसमें पूछा गया आनुवंशिक भूमिका के अध्ययन के लिए, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोदैहिक विशेषताओं के रूप में परिभाषित करता है, कि आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन है तो इसका ऑप्शन आएगा जीनोटाइप, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 19 की बात करें तो किस प्रक्षेप्य के आधार पर बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? वो होगा सी, जैविक परिप्रेक्ष्य के आधार पर। निम्न में से मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो ये है जी, इसमें आएगा जी जीन पियाजे।
आप अपने अपने आंसर मिलाकर कमेंट में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही है। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्न आधारभूत होती है। ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन अधिग्रहित। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? इसमें आएगा व्यक्तित्व के बी एफ स्किनर नहीं आएगा, ये आलपोर्ट आएगा। आलपोर्ट सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हेनरी व मूरे ने डी मॉर्गन में कौन सा परीक्षण किया? टीएटी परीक्षण, कथनाक संप्रत्यय परीक्षण। एक बालक की वर्दी में कौन सा कारक संबंधित नहीं है? इसमें आएगा अधिवास। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर अधिवास। विकास का कौन सा आयाम नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों को प्रभावित करता है? भाषा विकास। बहुआयामी बुद्धि, गार्डनर का बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। इसमें आएगा सांवेगिक बुद्धि। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रचनात्मक चिंतन कौन से प्रकार से संबंधित है? अपसारी चिंतन। डी ऑप्शन। मानसिक विमंडित पद के लिए किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है? बौद्धिक पिछड़ापन के साथ। मानसिक विमंडित पद को किस के साथ? बौद्धिक पिछड़ापन। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा निम्न में से कौन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन स्थिर, और बाकी ये तीनों सत्य है और एक गलत है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता की सांस्कृतिक मुख्य अवाचक है? इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा आपको, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। आप अपने क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताएं कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं।